जमादि फिर जोग पथई काम लो वह तो मुह मुकुंद सेवया जदवत तथा धाता न सम्मति। जमादि फिर जोग पथई काम लो वह तो मुह मुकुंद सेवया जदवत तथा धाता न सम्मति। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जगत गुरु जी ने बताए भगत भगवत कृपा तत्प्रकाश तत्शक्ति इत्यादि माध्यम वितरित होते हैं। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी जगत गुरु जी ने बताए भगवत कृपा डायरेक्टली हमारा पास आ नहीं सकता, भगवत कृपा हमारा पास आ नहीं सकती डायरेक्टली। तत्प्रकाश तत्शक्ति इत्यादि माध्यम भगवत कृपा प्राप्त करना संभव है। जो श्लोक बताया था इसमें श्रीमद् भागवत जी महापुराण का ये श्लोक है, जमादि वीर जोग पथई काम लोभ तो मुह मुकुंद सेवया जदवत तथा अध्यात्म सम्मति। तात्पर्य ये है जितना भी जम नियम आसम प्राणायाम कुछ भी करो चेष्टा करो फिर भी एक सरोरिपु के द्वारा वशीभूत ये जो मन है काम लोभ हतो मुहू मुहू माने प्रचुर निदारुण अवस्था सरोरिपु के द्वारा सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान अर्जुन को बताए ये सबसे बड़ा शत्रु है काम ऐश क्रोध ऐश रजो गुण समद्भव महासनो महापापना विद्धि नमेनम भैरिनम। सबसे बड़ा भैरी ये है सरो रिपु। ये सरो रिपु को काम क्रोध लोभ मदमाश्चर्य ये सब सरो रिपु को जय करना कोई आसान बात नहीं है। पहले भी बहुत बार कह चुके भागवत जी महापुराण में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं कि रजस्तमश्च सत्येन सत्वं च उपशमेन च एतत् सर्वं गुरु भक्ता पुरुष ही अंजसा जयत। सद्गुरु की सेवा के द्वारा जैसे प्रकृति जय हो पाते बहुत जल्द से जल्दी रजस्तमश्च सत्येन सत्वं च उपशमेन च। एतत् सर्वं गुरु भक्ता पुरुष ही अंजसा जाए रजतमो गुण को रजतमो को सतगुण के द्वारा वशीभूत करके फिर सतगुण को भी उपशमेन च उपशमेन च उपशम मतलब बीमारी का दवाई उपशम जितना सारे गुरुवानुगत्व में गुरुवानुगत्व में जो भगवत सेवा है जितना सारे नियम है एकादशी आदि पालन करो चातुर्मास पालन करो सब नियम से चलो गुरु वैष्णव का अनुगत्व में ऐसे पालन करते रहे तो बहुत जल्दी रजतम गुण सतगुण भी गया और शुद्ध सतो भूमिका में उत्तीर्ण होने का शुद्ध सतो भूमिका में उत्तीर्ण होने का व्यवस्था बन जाए बहुत इजीली। लेकिन सदगुरु के सेवा के द्वारा जो गुरु वो वैष्णव है जो वैष्णव वो गुरु है। भक्ति में उठाओ कह रहे हैं गुरु तत्व वैष्णव तत्व अलग नहीं है, अलग समझा जाए तो इसमें अपराध है।
ये भागवत जी का महापुराण के इस श्लोक में एक ही बात बताई, जमा देवीर जोगोपथई, जोगोपथई मतलब कोई भी मार्ग अवलंबन करो, यह तो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, जमादिभिर योग पथई, काम लोभ हतो मुह, काम लोभ मदोमाश्चर्य, काम लोभ मदोमास इत्यादि के द्वारा, सर्वरिपु के द्वारा वशीभूत है। काम लोभ हतो मुह प्रचुर परिमाण, बहुत खतरनाक है। और ये अवस्था जो है मुकुंद सेवया जदवत, मुकुंद सेवा के द्वारा जितना जल्द से जल्द ये हमारा जो वशीभूत हो जाते हैं, हमारा ये सारे जो अवशीभूत मन है, हृदय है, तथा धात्वा चित्त वशीभूत हो जाते हैं बहुत जल्द से जल्द, मुकुंद सेवाया जदवत तथा धात्मा न सम्मति, ऐसा किसी भी तरीका से, दूसरा कोई तरीका से अब चेष्टा करो, अब कामयाबी हो मिलेगी नहीं, बहुत मुश्किल। मुकुंद सेवा भी डायरेक्ट हो नहीं पाता, मुकुंद सेवा कोई करना चाहे, मुकुंद सेवा करने के लिए हरिनाम दीक्षा अर्थात साधु संग का जो विषय है ये जरूरी है, बहुत जरूरी। अतः कृष्ण नामादि न भवित गाज्यमिंदुए सेवन मुखे ही युवाया स्वयमेव स्फूर्त, अतः काल चर्चा किया। और ये जो हरिनाम अप्राकृत जगत का हरिनाम, ये किसी भी हालत से जड़ जिह्वा में जब सेवन मुख हो जाए संपूर्ण शरणागत गुरु वैष्णव में होकर संपूर्ण वशीभूत मन के द्वारा गुरु वैष्णव का अनुगत्व में सारे तमाम इंद्रियां भगवत सेवा के लिए तरसते रहते हैं, जब इसी समय भगवान नाम अपना जिह्वा पे उदित होता है। भगवान नाम जोर जबरदस्ती उदित, हमारा नाम, हमारा एक लाख नाम हमारा बाकी है, करना चाहिए जल्दी जल्दी, ये अभिमान का बात है। नाम कभी कोई जोर जबरदस्ती कर नहीं सकता। भक्तिविनोद ठाकुर अभी भी है वो लेखनी सानंद सुखदा कुंज में, भक्तिविनोद ठाकुर भजन कुटीर में, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिख दिए, आप लोग हाथों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा सेवा करते चलो, हाथों के द्वारा सेवा करते चलो ठाकुर जी का, आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परशु, बस जल्द से जल्द आपका जवान पे अप्राकृत हरिनाम नित्य करने लग जाएगी। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताए, या आप हाथों के द्वारा सेवा करते चलो, हर वक्त भगवत सेवा करते चलो, और करते करते आज नहीं तो काल, का नहीं तो बहुत जल्द आपका जिह्वा में अप्राकृत हरिनाम नित्य करने लग जाएंगे, कोई संदेह नहीं। मतलब सेवन मुखे ही जिह्वायाम अदो स्वयं स्फूर्त अद, ऑटोमेटिकली। अतः दुस्संग मुश्चिच सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एव अश्व छिंदन्ति मनो व्यासंगम उक्ति भी। अतः दुस्संग मुश्चिच, तमाम भजन का पूरा रहस्य जो है ये कौन कितना सत्संग किया, इसका ऊपर कोई नाटकबाजी नहीं है। कौन कितना अपना भजन जीवन में कौन कितना सत्संग किया है, इसका ऊपर भजन का पूरा रहस्य है। सत्संग अगर
प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त होना संभव नहीं है डायरेक्टली, तो कथा के द्वारा गुरुजी चले गए, प्रभुपाद चले गए, केशव गोस्वामी महाराज चले गए, लेकिन इनकी जो कथा है वाणी स्वरूप है, वाणी स्वरूप को सामने रख के आइडियलिज्म आदर्श रख के मन के चलो, गुरु वैष्णव मर गया एक ऐसा बात है, गुरु वैष्णव नित्य जगत में चले गए, उधर से हमको देख रहे हैं हमारा क्या नियत है, हमारा नियत अच्छा है कि नहीं, देखते रहते हैं एंड अकॉर्डिंगली कृपा भी करते रहते हैं। चले गए तो कैसे कृपा मिलता है, अगर चले गए तो उधर से देख रहे हैं कृपा कर रहे हैं कि हमारा इच्छा क्या है, हमारा सेवा का कैसा कैसा भाव है। तो प्रत्यक्ष मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर भी मानस संग करना उतना आसान नहीं। पहुंचा हुआ जो साधु संग साधु महात्मा है वो लोग हर वक्त मानस सत्संग करते रहते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए संभव नहीं। हर वक्त मानस में सत्संग करना पोपा जी कहते थे, या अगर प्रत्यक्ष रूप में सत्संग नहीं प्राप्त होता तो चैतन्य भागवत पाठ करो, ये चैतन्य भागवत पाठ करने से चैतन्य चरितामृत तो और भी ज्यादा ऊंचा विचार है। भक्तिमान ठाकुर कहते चैतन्य चैतन्य तो आप ही रहने दो, चैतन्य भागवत पाठ करते चलो, अगर भक्ति चाहिए तो, ना भक्ति चाहिए तो ठीक है, भक्तिमान ठाकुर का कहना है, कभी गलत नहीं बता सकता। यहां एक बात है, प्रभुपाद जी ने बताया कि अगर प्रत्यक्ष रूप में सत्संग करना मुश्किल है तो चैतन्य भागवत आदि ऐसा पाठ करते चलो। ये पाठ करने से क्या होता है, उसमें जो साधु गुरु वैष्णव का नाम आता है क्रियाकर्म, जैसे शिवास पंडित है, अद्वैत गोसाई है, जितना सारे भक्त लोगों का नाम आता है उसका क्रियाकर्म बताया गया चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, अनायास इनके संग हो जाता। अगर बाहरी कोई चीजों में अगर लगन नहीं है तो, बाहरी चीजों में लगन है तो ये पाठ तो पार्टी रह जाएगा, तुम आप आपका दिल दूसरा जगह भाग रहा है। इसलिए गुरुवर्ग के पास एक सुंदर कहानी सुना था, बोले बहुत सुंदर मिसाल है उदाहरण, बोले दो दोस्त है, जिगड़ी दोस्त, दो दोस्त एक साथ उठता बैठता स्कूल जाता कुछ भी करता सब एक साथ, और ये दोस्त विचार करके करता है जो करना चाहिए एक साथ। एक दफे एक दोस्त का ये विचार आया कि ये अगले गांव पे एक महात्मा आया है, ये महात्मा का दर्शन के लिए जाएंगे, हरि कथा सुनने का अवसर मिलेगा, तो तुम भी चलो। बोले नहीं, हम तो नहीं जा सकता, आज एक चलचित्र है, पिक्चर, इसका आखिरी डेट है, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म होगा कौन जाने। बोले आज हमको ही जाना, ये तो आज ही खत्म है, आज होके खत्म है, तो आप जाना हो तो जाओ, लेकिन आज हम नहीं जा सकता, इधर हम जाएंगे। जाके दोनों, एक दोस्त इधर चला गया साधु संग करने के लिए और एक दोस्त चला गया डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है बड़ा इम्पोर्टेंट। बोले ये आखिरी डेट है, हम उधर जाएंगे। और ये बैठ के जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने गए, ये बैठ के विचार कर रहा था, ये हमारा दोस्त आज बड़ा लाकी है, बहुत सौभाग्यवान है, वो चला गया उतारा क्या रखा है, डॉक्यूमेंट्री है तो चलाया था, यही अच्छा था अगर हम साधु संग करेंगे। वो साधु आया है, जानकारी है, वो साधु आया है हरिकथा
आए हमारा तो हुआ नहीं। ऐसा करके दो घंटा ये जो समय है हर वक्त चिंता करते रह गए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो कुछ हुआ ही नहीं, वो देखते रह गए और पीछे में मन ही मन वो साधु का बेचा, वो साधु आया है, बड़ा अच्छा खासा साधु है, बड़ा ऊंचा ऊंचा विचार वाले सुंदर, हाय हम जा नहीं सका। ऐसा करके चिंता करते रह गए। और जो साधु संग के लिए गया वो साधु संग के लिए बैठा है, लेकिन उसका मन चला गया वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेरा आज ही लास्ट है, हाय हाय ये तो देखने को हमको नहीं मिला। ऐसा करके विचार करते रह गए, साधु का सामने तो बैठा है लेकिन कथा में उतना ध्यान नहीं, दोनों का उल्टा फल हो गया। जो उधर गया है अच्छा खासा साधु जिसको जानता, इसका संग करने का फल, क्योंकि साधु का मन, साधु का पास मन बैठा हुआ है, और इसका फल उल्टा उधर चला गया। साधु संग बोलने से ही साधु संग नहीं होता। हमारा दिल में जितना खिंचावट है विषय के लिए, विषय के लिए आदि, उतना खिंचावट साधु संग में नहीं है। लवमा तो साधु संग सर्वसिद्धि हो, ये कोई बेकार बात नहीं है, सही बात है, लेकिन लवमत तो साधु संग किया जाए तब ना, लवमत तो साधु संग सर्वसिद्धि हो। चैतन्य चैतन्य ये जो बातें हैं, ये बात जो है सिद्धांत विचार, भक्ति में ठाकुर प्रभुपाद इसका जो अनुभाष्य अमृत प्रभावाष्य में ये लिखे हैं, जे लवमत तो साधु संग सर्वसिद्धि, मतलब यहाँ तक कि भगवत प्रेम प्राप्ति भी असंभव नहीं है, जो कि ब्रह्मा शंकर का भी इप्सित है, वो भी चाहते रहते हैं, ये भी असंभव नहीं है। साधु संग इतना ऊंचा चीज है, लोग अक्सर साधु संग बात समझते नहीं, ये सोचता है कि सोचा थोड़ा बहुत ग्लैमर मिलेगा, प्रतिष्ठा ग्लैमर आदि मिलेगा, नाम जस बस। साधु संग का कितना महिमा है लोग जानते नहीं। लवमत तो साधु संग सर्वसिद्धि है, मतलब भगवत प्रेम प्राप्ति भी असंभव नहीं है। यहां तक कि बोला शास्त्र में चैतन्य चैतामित में, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण भक्ति का जन्म मूल ही है साधु संग। कृष्ण प्रेम जनने तीहो मुख्य अंग, कृष्ण प्रेम जन्म देने के लिए यही भी सबसे बड़ा मुख्य अंग है, वाइटल पॉइंट। साधु संग कोई बेकार नहीं जाता। शिला सच्चिदानंद भक्ति में ठाकुर से जैव धर्म में उदाहरण दिया, वैष्णव दास जो कि पहले मायावादी थे वाराणसी में, अपना भजन कुटिया में 10,000 शिष्य मायावादी शिष्यों का गुरु है प्रबोधानंद, प्रकाशानंद, प्रकाशानंद सरस्वती 10,000 मायावादी, 10,000 से भी ऊपर मायावादी का शिष्य गुरु है, ये भी कम नहीं है, बहुत बड़ा कुटीचौक बहुदक हंस परमहंस स्टे इसका रास्ते पे है। हमारा वैष्णव राज्य में हंस परमहंस कुटीचौक ये अलग मीनिंग है, वो लोगों का अलग मीनिंग है। ये बैठा हुआ है अपना भजन कुटीर में गंगा का किनारे, और एक वैष्णव जा रहा है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद, ऐसा बोलते बोलते कीर्तन कीर्तन करताल ठोकते ठोकते कीर्तन करते करते जा रहा है, लड़खड़ा के गिर जाते प्रेम इतना। इस स्थिति में वो जो मायावादी है जो बाद में वैष्णव दास बना, वो देखते रह गए, बोले ये तो साधारण कंडीशन नहीं, जैसे सर्वभट्टाचार्य जी है तो मायावादी, तमाम शास्त्रों का नॉलेज है। जब महाप्रभु जी ने श्री जगन्नाथ मंदिर में पहली बार के लिए पहुंचे, एकदम जल्दी से जल्दी जगन्नाथ को
आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े और बीच में से ठोकर खाके गिर गए, मूर्छित हो गए प्रेम के मारे। सारे पांडा लोग तो उसका ऊपर गुस्सा हो गया। सर्वमाटे जी को रुको 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 रुको, इसका मत हाथ मत दो। ये जो नवीन सन्यासी, इसका जो लक्षण है, जिसका जो भाव है, ये बाहरी पृथ्वी में किसी जगह संभव नहीं है। शुद्ध सत्व इस बड़ा अजीब सा भाव है, ये जगत में मिलता नहीं। शुद्ध सुदीप्त भाव, ये प्रेम, कृष्ण प्रेम का सबसे बड़ा ऊंचा सगाई है, ऊंचा एकदम। और ये इसमें ये सब दिखाई पड़ता है, कैसे संभव है? ये तो ये जगत का आदमी है, नवीन सन्यासी, और ये तो ये जगत में नीलोक है, निजग, ये निर्लोक में, ये जड़ जगत में संभव ही नहीं, ऐसा दिख रहा है। मतलब सर्वभौमाचार्य जो का पता है, ये मायावादी है तो है, लेकिन तमाम शास्त्रों ज्ञान है, इसलिए पकड़ लिया ये तो साधारण व्यक्ति ऐसा ही है। ये भी वेद वेदांत तो उपनिषद सारे तमाम शास्त्रों का ही एकदम अध्ययन अध्यापना तारे करते रहते, इसको भी ख्याल आ गया कि ये साधारण अवस्था नहीं है वैष्णव का, ये प्रेम की अवस्था। चलो एक दफे इसका साथ बातें कर ले थोड़ा, लेकिन फिर पीछे आ गया। मतलब बातें करने जाए तो कोई देख लिया तो बोले वैष्णव के साथ बात करता है, हमारा इज्जत चला जाए। फिर बैठ गया भजन, फिर उठा, फिर बैठ गया। ऐसे मन ही मन कंट्राडिक्शन चल रहा है, संकल्प विकल्प। इतने में वो वैष्णव करताल ठोकते कीर्तन करते करते वाराणसी का कितना गली है, वाराणसी प्राचीन शहर, कहाँ घुस गया वैष्णव और मिला नहीं। बाद में तैयार कर लिया, ये जरूरी है वैष्णव के साथ बात करेंगे, लेकिन जब आया देन इट वॉज टू लेट, कर नहीं पाया, निकल गया, किसी जगह घुस गया। लेकिन ये जो वैष्णव का दर्शन है, लोभमत्त साधु संग, साधु संग मतलब है तो मायावादी, है तो मायावादी, फिर भी ये वैष्णव का दर्शन, वैष्णव का श्री मुखारविंद से पंचतत्व का कीर्तन सुनने के बाद थोड़ा सत्संग हो गया, पक्का सत्संग, क्योंकि उसको देख के ही इसका अंदर में थोड़ा अटैचमेंट आया है। तू साधारण, वाह कितना सुंदर है ये साधु, ऐसा नहीं कि विथ नेग्लिजेंसी, कुछ नहीं है, ये मायावादी है, अंदर में विचार कर रहे हैं कि अगर जाए तो लोग क्या कहें। तो ये लोभमत्त साधु संग जो हुआ, ये इसको नवद्वीप धाम में लाया। नवद्वीप धाम में लाने के बाद गंगा में नहा के गत्रुम द्वीप में जो परमहंस बाबा जी महाराज का दर्शन हुआ, लोग ऐसा बातें करते करते ठिकाना निकाला और माधवी लता कुंज वहाँ जाके पहुँचा और बाबा जी महाराज का संग हुआ, बाबा जी महाराज की कृपा किया, हरिनाम दीक्षा भी हुआ। और परमहंस बाबा जी महाराज के गुरुदेव है प्रद्युम्न मिश्र, पद्रुन्न ब्रह्मचारी, पद्रुन्न मिश्र नहीं, पद्रुन्न मिश्र तो नीलाचल धाम में एक भक्त है, पद्रुन्न ब्रह्मचारी जो निशिंग, हमारा जो गौर धाम में जो निशिंग तला है, ये निशिंग तला में आप जानते नहीं हो, अब गए नहीं कभी, हम गए, नीचे बर्तन रखते हैं नीचे, इसमें गुफा है, गुफा का अंदर पद्रुन्न मिश्र भजन करते थे, पद्रुन्न ब्रह्मचारी मिश्र नहीं, ये पद्रुन्न ब्रह्मचारी महाप्रभु का पार्षद, ये परमहंस बाबाजी महाराज का गुरुदेव है। तो इतना पावर मिल गया, वैष्णव दास उसका नाम हो गया और वैष्णव जगत में एक संपत्ति हुआ, एक ज्वेल, अनमोल ज्वेल हो गया, क्योंकि शास्त्रोज्ञान तो था ही पहले, लेकिन ये शास्त्रोज्ञान वैष्णव कृपा के द्वारा, मायावादी शास्त्रोज्ञान मतलब उसमें कुछ नहीं रखा,
फिर भी शास्त्र तो पढ़ा है, अब भक्ति का सिद्धांतों में बदल दिया सारे, जितना सारे नॉलेज है, और बड़ा वैष्णव बन गया और प्रेम भी बन गया। बाबा जी महाराज परमहंस बाबा जी महाराज उसका नित्य सत्य स्वरूप का भी ठिकाना बोल दिया, नित्य सत्य सिद्ध स्वरूप तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या सेवा है नित्य जगत, सारे ये सब है जैव धर्म में, ये सब है। कहने का तात्पर्य ये है कि एकमात्र साधु संघ के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण कहने लगे भागवत में है जे जितना सारे भक्तों का नाम बोला, ये ऐसा भक्तों काल इसका बारे में और चर्चा करेंगे। बहवो मत पदम प्राप्ता त्रष्टो कया धवादयो विश्वभर्वा बलिर्वान मयश्च अथ विभीषण, ये जो श्लोक बताया इसमें अंतिम में बताया भगवान, ये इसका से भगवत प्राप्ति हुआ, हमारा चरण में आया, हमारा चरण का प्राप्ति हो, बस एक साधु संग ही है, इसका और कुछ नहीं है। साधु संघ में इतना पावर है, जो भी है ऐसा करके विचार करके देखे तो काम ईश क्रोध ईश रजो गुण समत भव महासन महापना विदिन मेनम बैरिनम, ये इसको सबसे बड़ा शत्रु मानो। एक काल चर्चा हो पाया था, थोड़ा टच दे दिया, और ये सिद्धांत में उतार आया कि एकमात्र साधु संघ के द्वारा जमा दिविर जोग पथई लो काम लोभ हतो मुहु मुकुंद सेवया यदवत तथा अध्यात्त न सम्मति। मुकुंद सेवा के द्वारा जो आत्मा मन आदि और सर्वरूप जितना वशीभूत हो पाते हैं, ऐसा कोई साधन नहीं, कोई रास्ता नहीं, दूसरा कोई चारा नहीं, रास्ता नहीं। और ये जो श्लोक ये भी याद होनी चाहिए, हर वक्त याद रखना चाहिए। अतः दुस्संग मुस्सिज सत्सु सस्य सज्जेद बुद्धिमान, इतना हालत खराब है, इतना हालत खराब है, क्या कुछ नहीं बिगाड़ सकता असत्संग के द्वारा। और भक्तिमन ठाकुर कह रहे हैं कि सत्संग का नाम पे असत्संग हो वो और भी डेंजरस है। भक्तिमन ठाकुर कह रहे हैं कि अगर सत्संग का बहाने पे असत्संग हो गया है तो हरि कथा सुन रहा हूं, लेकिन विशाखा कथा सुन रहा बस हो गया। भक्तिमन ठाकुर कह रहे हैं कि अगर सत्संग सत्संग का बहाना लगा दिया लेकिन असत्संग हो रहे तो हो गया छुट्टी। ऐसा हालत खराब तो ये जो बात है, अतः दुस्संग मुझसे जो किसी भी हालत से भजन का कोई तरक्की चाहे तो वेरी एक्यूरेटली जैसा विचार परम केशव गोस्वामी महाराज का है, जैसा विचार शिला सिद्धर गोस्वामी महाराज का है, ऐसा सुंदर विचार भक्ति भगवतपुरी के श्री महाराज जी का, सत्संग का ऐसा ऊंचा विचार केशव गोस्वामी महाराज और ज्यादा कड़ा बताते थे, यही अच्छा है। हम जैसा कुत्ता उसका ऊपर इतना लगुड़, जैसे बलदाव जी महाराज बोला भागवत में, पशु गुलाम लगरो यथा, अरे पशु को भी मीठा बात बोलने से समझता है क्या, ये दो चार लाठी डंडा लगाओ तो हो गया। बलदाव जी महाराज का सिखा, ये हमारा नहीं, बलदाव जी महाराज ने बोले जे पशु नाम लगरो यथा, जैसा पशु उसका वह ऐसा डंडा लगना चाहिए। तो कैसे गोस्वामी महाराज के विचार हमको बहुत अच्छा लगता है, जब भी आदमी बोले बहुत कड़ा है, कड़ा ही हमको अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, क्योंकि महाराज जी बाहर में कड़ा है, अंदर में इतना स्नेह है, ये कहा नहीं जाए। बावन गोस्वामी महाराज जी सुना है, देखने में बाहर में इतना कड़ा लेकिन अंदर में एकदम, यहाँ तक कि एक जगह बोट पर, बोट मतलब इतना थोड़ा छोटा सा बिल है, खाल बिल है ना, वो पार करने के लिए एक बोट वाले को बोला, किश्ती वाले को,
और दो चार किश्ती वाले आ गए, महाराज हमारा बोट पे चलो, महाराज हमारा, महाराज ठीक है चल, कितना किराया है? बोले इतना किराया है। उस जमाने में 25 पैसा या तो 10 पैसा, वो पहले का जमाने 5 पैसा 2 पैसा यही तो था। महाराज जिस बोट में चढ़ते थे उस बोट वाले को दे देते, बाकी जो आया महाराज हमारा बोट में जो उसको भी पैसा दे देते, जा 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 जा, तारा हरि नाम बोलना, हरि बोल। ऐसा बहुत कृपालु, बाप रे। तो ये जो है दुस्संग कैसे त्यागा जाए ये सीखना है, तो परमेश्वर किसी को सीमा सीखना ठीक है। ऐसे तो गुरुवर को सब हमको तत्व ज्ञानी बताएंगे, लेकिन इतना कठोर हिसाब जो कि हमारा दिल में छप्पा छप्पा लगा दिया, स्टैंप लगा दिया, ये भूल नहीं सकता। एक दफे असत्संग कैसे त्यागा जाए देखो। एक दफे महाराज जी अपना भजन कुटीर से बाहर जा रहा था, पगड़ी भगड़ी लगा के, अरे ये आवाज कहाँ से आ रहे हैं, एक ये जो आवाज आ रहा है, बोले महाराज ये प्रेस में, प्रेस में बोले है रेडियो चल रहा है। अच्छा, जाके खड़ा हो गया और देखे रेडियो है बरन्ना में रखा हुआ, एक लात लगाया चकनाचूर हो गया। बोले यहाँ आया तू रेडियो सुनने के लिए है, प्रेस का काम कर, भगवान नाम बोल और देवानंद गौरी मठ का हमारा जो सेक्रेटरी है जो भी है, अभी तो उम्र हो गया और बहुत पहले का बात, वो कह रहे एक दफे हम हमारा गुरु भाई कृष्णनगर गया था किसी काम पे, जाते जाके काम करके थोड़ा लेट हो गया, सोचा कि इसी एक्स मिशन में उतर जाए, थोड़ा भोजन पानी करके जाए, प्रसाद पानी करके जाए, और जाने में लेट हो गया। इतने में 3:30 बज गया, महाराज बोले ए इतना देर क्यों आ, बोला महाराज उधर उतर गया, उतर के वह प्रसाद प्रसाद पाके आया। हाँ कहाँ गया तू, बोले वो एक्स मिशन में गया था, गाली से गाली, जा गोबर पानी से मुख धो और 3 दिन उपवास है, ये प्रभुपाद का विरोधी है, इधर तू प्रसाद पाया, हाय हाय हाय। इतना कठोर विचार है सत्संग, अरे बाप मायावाद विचार को कैसे खंडन करते थे लात लगा के, उफ ये हमको बहुत अच्छा लगता है ये सब उसी महाराज का ये विचार। क्योंकि सत्संग तो हर आदमी बोलते रहते हैं सत्संग, और सत्संग क्या है, एक तो इम्प्रेशन पर जाए, एक तो इम्प्रेशन पर जाए सत्संग क्या चीज है। महाराज जी के पास सुनने से, महाराज जी के पास जाने से ऐसा ही है। तो अतः दुस्संग मुश्रित जो सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति इसीलिए दुस्संग त्याग देना चाहिए, पूरा फेंक देनी चाहिए। उत्सृज बोला है ना, उत्सृज माने जैसे ब्रह्मा ज्ञाने प्रयास मुदवास्य, उदवास्य माने दूर में फेंक दिया, ज्ञान का प्रयास जो है ये प्रयास प्रतिष्ठा दूर फेंक दिया, ऐसा ही है। अतो दुस्संग मुत्सृज सत्सु सज्जित बुद्धिमान, सत्संग बुद्धिमान व्यक्ति सत्संग में लगे रहते हैं कंटिन्यूअस, नॉट दैट सत्संग काल किया था आज नहीं, ऐसा नहीं, भजन का पूरा रहस्य सत्संग में जुड़ा हुआ है। कोई समझे तो भजन समझे, कोई ना समझे तो भजन समझे ही नहीं। संत एवं सचिंदंती क्यों करता है सत्संग, बोले एक ही कारण है, क्योंकि संत बजे संत एवं स छिंदंती मनोव्यासंगम उक्ति भी, उक्ति भी मतलब विश्वनाथ चौधरी प्रवचनादि भी, उक्ति भी मतलब प्रवचनादि भी, उपदेश हरि कथा उपदेश आदि के द्वारा हमारा अंदर में जो व्यासन है, व्यासन का जो रूट है जड़ है उसे काट के फेंक दे। एवं गुरु पसनैक भक्ता विद्या कुठरेन सितेन धीर विवृष्ट जीवा स्वयं अप्रमत्त, ये जो श्लोक बताया पूरा एकदम जड़ से काट के फेंक दो,
जिंदगी में जरा सा भी असत्संग रखोगे कोई गारंटी नहीं। अगर भगवान चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, जो जैसे चलता है ऐसे चलने दो, कोई बात नहीं। काल व्याख्या करके बताया, काम रूप रस आदि इंद्रिय विषय के ऊपर दारुण एक आकर्षण, ये जो स्वाभाविक आकर्षण, इसके नाम है काम, जिसको देखने के बाद उसको भोगने का इच्छा होता है, ये काम है। और काम जो है, ये काम अगर काम काम वासना में बदल जाते हैं, वासना अगर प्रतिहत हो जाए तो क्रोध उत्पत्ति होता है। किसी गुरु वैष्णव ने हमारा जो खिलाफ कुछ कह दिया, खिलाफ तो नहीं है, ये भजन का ही बात कहते रहते हैं, तो हमारा गुस्सा आ गया कि इसमें हमारा काम का धक्का लगा, काम का जो वासना है इसका ऊपर थोड़ा वो चोट आया, चोट पहुंचा, ये क्रोध आ गया। और जैसे वासनाएं धन दौलत आदि जितना है अति मात्रा और प्राप्ति करने के लिए लोभी लोभ, मिष्ट वस्तु आदि मिठाई आदि खाने के लिए, अलग अलग चीजों में किसी का लड़का की एक एक अलग विषय के ऊपर आकर्षण अति मात्रा आकृष्ट, इसको लोभ बोला है। और ये लोभ जो है, लोभ के बाद आत्मज्ञान आत्मज्ञान जो अच्छन्न हो जाता है ने, और ये दुनियादारी के चीज के पड़े चीज है अतीत या नित्य वस्तु, इसको देखने नहीं देते, ढक्कन दे देते, इसका नाम है मोह। एक ढक्कन दे देते हैं नित्य वस्तु को, बिल्कुल देखने नहीं देते, ये मोह बदल गया, अज्ञान माया। और ये मोह पे द्वारा हम धनी हैं, हम ज्ञानी हैं, हम विद्वान, ये सब आ जाता अहमिका। इसके बाद इसका नाम मद हो जाता है, मद अहंकार। और हमारा जितना स्टैंडर्ड है उस समय, जिस समय मद है अंदर में, जितना स्टैंडर्ड है उसमें हमसे भी बढ़कर किसी का वो तरक्की हो गया, तो दूसरे का उन्नति में असहनता असहनशीलता नहीं है, दूसरे का उन्नति हो रहा है और गुस्सा हो गया हमारा, हमारा अंदर में जलन हो रहा है, ये माश्चर्य है। ऐसा करके दूसरों का जो उन्नति है वो इसमें असहन भाव आ जाते हैं, इसका परस्य कथरता संस्कृत में बंगाली में माश्चर्य। ऐसा करके तमाम समस्या खड़ा हो जाता और इसमें कोई रास्ता ही नहीं बचता, कैसे चले, क्या क्या करे, नहीं करे, पूरा रास्ता खत्म। इसके बाद जो है भगवान कह रहे हैं, ये तो 37 नंबर श्लोक का वो थोड़ा व्याख्या कर दी, और 38 नंबर श्लोक में धूमेन अप्रियते बन्हेर यथा दर्शो मले न च यथोलवेन अवृत ग्रह तथा तेनेदम अवृतम। धूमेन अप्रियते बन्हेर यथा दर्शो मले न च, जैसे अग्नि प्रज्वलित है लेकिन प्रज्वलित अग्नि दिखाई नहीं पड़ता है, धूमेन अप्रियते, चारों ओर धुआं 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 स्मोक लग गया और अग्नि जो इसका अंदर में है ये पता ही नहीं चल रहा। धूमेन अप्रियते, अप्रियते मैंने आवृत कर देता है बन्हेर। और एक एग्जाम्पल दिया, यथा दर्शो अदर्शो, आदर्श मतलब मिरर, आईने, दर्पण। सो धूमेन अप्रियते बन्हेर यथा अदर्शो मले न च, एक दर्पण के ऊपर बहुत दिनों से मैल गिरा, मैल बहुत
पता ही नहीं चलता है, इतना बेल्जियम ग्लास का एक दर्पण है, इतना सुंदर है, अनोखा चीज है। अगर साफा किया जाए तो समझ में आता है ये दर्पण है, इसका काम ये, तमाम वस्तुओं का उसका अंदर प्रतिबिंब गिरता है, जिसका सामने रख दो तो धुमे न प्रियते बन्हेर जथा दर्शन मले न चा, जैसे धूम के द्वारा धुआं के द्वारा अग्नि आवृत होकर रहता है, बाहरी दृष्टि में दिखाई नहीं पड़ता, और जैसे आईने दर्पण मैल से भरपूर होके अपना जो ग्लेस है, अपना जो स्वभाव है, ये इसको ढक्कन हो गया, ढक्कन दे के रखा है मैल। और एक उदाहरण दिया, तीन चार उदाहरण दिया भगवान, यथोल्बेना अवृत गर्भस्तथा तेनेदम अवृतम, गर्भों में मैया का कोख में जब बच्चा है ये तो बाहरी दृष्टि में दिखाई नहीं पड़ता, यथोल्वेन आवृत गर्व, गर्व तो आवृत है, कितना कवरिंग है देखो विचार करके, कितना कवरिंग है, डॉक्टरों के साथ बात करो तो पता चले। यथोल्वेन आवृत गर्भस्त तथा तेनेदम आवृतम, इसे हम आपकी आवृत है, क्या आवृत है, क्या आवृत है, ये तत्व ज्ञान आवृत है। यथा बन्नी अग्नि धूमे न आवृहते, धूम के द्वारा आवृत, यथा दर्श दर्पण मले न धूलि द्वारा आवृत, तथा यथा गर्भ उल्वे न जरायु, जरायु है, उल्वे न आवृत गर्भ आवृत रहता है। इसी प्रकार इदम, ये जो सतसिद्ध ज्ञान है पहले भी बताया, विद्या और अविद्या नित्य काल से है ही है, इदम ये ज्ञान अवृत रहता है, ये बाहरी दृष्टि में ज्ञान प्रकाशित नहीं है। तेनेदम सही पक इदम यह आवृत हो, कैसे आवृत हो, भले ये काम के द्वारा आवृत है, ये ज्ञान जो है, जैसे भगवान अगले आएगा विचार करके दिखाया भगवान, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम सुकृतिम विभुम अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति यन्त्वा, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, यह अज्ञान और यहां लिखा है काम एक ही है, काम तो मतलब अज्ञानी है, विचार करके देखो तो काम तो अज्ञानी है और क्या, विचार करके दिखाए, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से मद, मद से माश्चर्य, सारे दिखाए, वो अज्ञानी है और क्या है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि काम के द्वारा ज्ञान अवृत अवस्था में है, ज्ञान है, क्योंकि आत्मा जो है चिद वस्तु सच्चिद आनंदमय भगवान है, और जीवात्मा का अंदर विवात्मा भी चित वस्तु है, इसका अंदर में भगवान का क्वालिटी, भगवान में, भगवान एकमात्र अनंत ब्रह्मांड एकमात्र भोक्ता है, जितना सारे जाग जो कुछ भी हो रहे भोक्ता एकमात्र भगवान, लेकिन जीव भी एक क्षुद्र संस्करण बना के बैठा है, ये भी इसका अंदर में भोगने का इच्छा, क्योंकि भगवान ने भोगने की इच्छा इसका भी है, मजा लेने का बहाना, ये तू जानता नहीं, इसमें पावर नहीं है कुछ, क्योंकि सर्वशक्ति का डायरेक्ट कृपा नहीं है, पोटेंसी है, सर्वशक्ति का डायरेक्ट कृपा नहीं होने के कारण जीव इतना दुर्बल है कुछ भी हालत गिर सकता है। सो अज्ञाने न अवृतम ज्ञानम, ये जो बताया ठाकुर जी दूसरे श्लोक में दूसरा जगह, और यहां काम के द्वारा ये ज्ञान जो आवृत है ये समझाने का कोशिश की, भगवान बोले ज्ञान है, सतो सिद्ध ज्ञान है,
काम के द्वारा ये ज्ञान आवृत अवस्था में है। गुरु वैष्णव का काम है ये काम जो है, ये जो ज्ञान है इसको प्रकाशित कर देना। जैसे एक इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट है, बस एक तो मैचेस लगा दो छक बस हो गया। लेकिन जब तक मैचेस ना लगे तो इसमें कोई आग लगने का कोई चांस ही नहीं। समझा मेरा बात? तो ये जो है इसमें जीव का अंदर में सतसिद्ध ज्ञान है लेकिन काम के द्वारा आवृत है। साधु संग सर्वसत्य कहे लवमात्र साधु संग सर्वसिद्ध। ये साधु संग के द्वारा इसका अंदर का जो भाव है, ये जो आवृत ज्ञान है, ये इसको साधु संग के द्वारा प्रकाशित हो जाते, उन्मेष हो जाते। बस इतना। ज्यादा साल बात ये है कि विषय वासना जब तक हृदय में रहे, गंदगी विषय वासना का गंदगी भी रहे तो भी आत्मज्ञान प्राप्ति करना संभव नहीं है। दुनिया में जितना सारे साधु संग देखे हैं, विचार करके देखना, इन लोगों का अंदर में कुछ भी नहीं था आकर्षण। चाहे प्रभुपाद जी 64 मठ बनाए, माधव गोस्वामी महाराज कितना मठ बनाए, हैं केशव गोस्वामी महाराज कितना मठ बनाए, फिर भी ये लोगों का अंदर में बिल्कुल वासना नहीं है। वासना कामना वासना नहीं, जो भी कर रहा है सब मंगल के लिए, आदमी का मंगल हो जाए, दूसरा अपना कोई वासना है नहीं। किसी भी हालत से अपना कोई वासना है नहीं, जगत का मंगल हो जाए इसलिए मठ मंदिर किए हैं। माधव गोस्वामी महाराज तो हमारा सागर महा उदाला का सागर महाराज थे, पूरा सागर महाराज का पास बहुत सारे चीज सोना, बहुत प्यार करते थे क्योंकि बहुत गुरुवर्गों का संग किया है। हम आते आते तो बहुत गुरुवर्ग चला गया जगत से, फिर भी जो भी मिला बहुत वो भी कम नहीं है। बोले महाराज पूरा रात माधव गोस्वामी महाराज चिट्ठी लिखते रहे, उस जमाने में मोबाइल नहीं, हेलो बोलो ऐसा कुछ नहीं था, और चिट्ठी लिखो, कितना चिट्ठी आता है शिष्य लोगों का, कब लिखे, ना उत्तर दे तो होता नहीं। गुरु जी का वह चिट्ठी लिखा है, मन का भाव है, तोड़ टूट जाएगा। माधव गोस्वामी पूरा रात चिट्ठी लिख रहे। सागर मंजन महाराज आपने सोया नहीं, कैसे सोएगा बोलो, ये लोग बेचारा इतना सब चिट्ठी लिखा है उत्तर ना दे, ये मठ मंदिर चलाना इतना सरा भरा चीज है, कम नहीं है, कितना हंगामा। अपने आप भजन करना बहुत फिर भी आसान है अगर भजन करने वाले हो, ना भजन नहीं, भजन करने की इच्छा नहीं तो कुछ भी किसी भी हालत में रहो तो खतरा ही खतरा। गुरु वैष्णव अकेले नहीं रहते, देखो तो हर वक्त वाणी सेवा में लगे रहते, वाणी सेवा गुरु वर्ग का संग। कभी कभी आदमी से तो वो तो महाराज तो अकेला रहते हैं, महाराज तो अकेला था के अकेला नहीं रहता, हर वक्त वाणी संग गुरु वर्ग का संग कर रहे। तो कामना वासना का भी जरा सा भी गंदगी रहे तो आत्मज्ञान का उनमें संभव नहीं है। जैसे धूम अपसारित होने से अग्नि प्रकाशित हो जाता है, धूलि मल हटा देने से दर्पण का जो स्वाभाविक स्वच्छता है यह प्रतिभात हो जाता है। प्रसव के द्वारा मैया का कोख से बच्चा जब प्रकाशित होते हैं बाहर, जरायु प्रसारित होके बस बच्चा प्रसव होने के बाद दिखाई पड़ता है। ऐसे ही भगवान इतना उदाहरण दे दिया, कमाल का उदाहरण। इसी माफिक भगवान कह रहे हैं कि विषय वासना विदुरुत होने से ही, विषय वासना विदुरुत होने से ही मतलब साधु संघ के द्वारा अज्ञान हट जाने के बाद ही तत्व ज्ञान का उदय हो जाता, अर्थात संसार क्षय प्राप्त होता है।
संसार का खय नहीं है जब तक अज्ञान है, क्योंकि अज्ञानी संसार है। अगर संसार का कोई डेफिनेशन चाहे तो संसार का डेफिनेशन क्या है? बोले संसार का डेफिनेशन यही है अज्ञान। संसार का डेफिनेशन है अज्ञान, संसार का खय नहीं। तमाम दुनिया का समस्या है, चाहत है, कामना वासना है, जितना सारे समस्याएं हैं तमाम एक जगह ढेर लगा दो हिमालय का माफी, बस उसी का ओर उंगली लगाकर दिखा दो, इसका नाम है संसार देखना चाहना। तो संसार, संसार को देखना चाहना, इसी का नाम है संसार। ढेर सारे समस्या का समाहार, ढेर सारे चाहत का, कामना वासना का ढेर लगा दो एक जगह पहाड़ जैसा, बस इसको उंगली दिखाकर बोल दो यही है संसार, यही संसार का स्वरूप है। अज्ञान का नाम ही संसार है। और जब तक अज्ञान रहे, अज्ञान मतलब कामना वासना विषय वासना, तब तक संसार खय होना किसी भी हालत से संभव नहीं। तो ये विचार यही आया, साधु संग जरूरी है, पक्का साधु संग। साधु संग के द्वारा शास्त्रों का अर्थ जो है तमाम हृदय में प्रकाशित हो जाते। बाकी अपने आप पढ़ने जाए तो तमाम अर्थ, हम तो विद्वान तो है ही है, आप तो विद्वान है ही है, फिर भी ये प्रकाशित नहीं हो पाता। यही स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक विषय है कि कभी भी अपने आप पर लो समझ में नहीं आए। जैसे कि मधुमक्खी फूलों से मधु चून चून का धीरे धीरे इकट्ठा करके मधुमक्खी जो है वो अपना चाक बनाते रहते, लेकिन अगर आपको ढेर सारे फूल दिया जाए तो आप जानते ही हैं, सब कोई को पता है कि फूलों में शहद रहता है, कोई नहीं जानता क्या है, हर आदमी जानता। लेकिन आपको अगर ढेर सारे पूरा बगीचे का पूरा फूल दे दिया, आप ग्राइंडर में पीस कर घिस कर किसी भी से एक बूंद हमको शहद निकाल कर दिखाओ, पर भाई ये तो संभव नहीं। कैसे संभव नहीं? बोले ये तो इसका ही काम है, यही काम है, यही विचार है। फूलों से मधु संग्रह करना ते मधुमक्खी का ही एक्सक्लूसिव, एक एक उसका ही काम है और किसी का काम नहीं। कोई अगर ये काम को करने जाए, ये उल्लू का पट्टा है, कर नहीं सकता, कैसे करे, संभव नहीं। ऐसे ही तमाम शास्त्रों से निचर उठाकर विचार करके सार वस्तु को आम आदमी का सामने पेश करने का प्रयत्न करते संत महात्मा। इसलिए पहले बताया ना, इस सर्व सही बात, नाना शास्त्र विचार नैक निपुनो सद्धर्म संस्थापक लोकानां हित करिनोति भुवने मान्यो शरण न करो। नाना शास्त्र विचार नैक निपुनो, परम विजय केशव कुशी महाराज मायावादी वेदांत पढ़ते थे, पता है, जानते नहीं हो, लेकिन महाप्रभु का आदेश है कोई नहीं पाठ करना। मायावादी सुनने ले होय सर्वनाश, मायावादी वेदांत सुनने से सर्वनाश उपस्थित हो जाए, सर्वनाश मतलब पतन, आत्मा का पतन हो जाए। लेकिन केशव कुशी महाराज पढ़ते थे, बोले केशव कुशी पढ़ते थे इसलिए पढ़ते थे ताकि कुछ सेवा कर सके। मायावादी का सिद्धांत पर के कहाँ लुप्सोल, कहाँ लीकेज है, उसको पकड़ के बाद चकनाचूर कर दो उसको, इसीलिए पढ़ता। आपका हिम्मत नहीं है। केशव कुशी महाराज मायावादी वेदांत पढ़ते थे, पढ़ के बस उसको धुलाई लगाओ, बस इतना पावर है। तेलों का बात अलग है, जैसे ये जो बीमारी फैलता है बाजार में अभी चल रहा है, इतना सारा वायरस चल रहा है, आम आदमी वायरस वाले कोई आदमी का पास मत जाए, और नर्स है वो सारे इक्विपमेंट है सब लगा के फिर पेशेंट के पास जाता है।
हम लोग जाए तो मुश्किल है, वो आ जाएगा बीमारी। ऐसे ही है ये लोग के पास प्रभुपाद का कृपा, गुरुवर्ग का कृपा, ये जो है तमाम इसको इक्विपमेंट है, वो सब लेके फिर मायावाद पढ़ के बस लगाओ फायरिंग। तो भगवान इतना सुंदर विचार बताए कि ज्ञान तो है ही सत सिद्ध ज्ञान, जीव तो चेतन वस्तु है, चेतन वस्तु के अंदर स्वाभाविक ज्ञान है, लेकिन धूमेन अव्रियते बन्हेर यथादर्शो मलेन च यथोल्वेन आवृतो गर्व गर्व तथा तेनेदम आवृतम। अर्थात ये सत सिद्ध ज्ञान जो है ये काम के द्वारा आवृत है, और तमाम अज्ञान हट जाए तो ज्ञान प्रकाशित हो जाए। दूसरा श्लोक में बताया ठाकुर जी, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कंतेय दुष्पूरेण अनलेन च। हे कंतेय अर्जुन, ज्ञानीन नित्य वैरिणा, ज्ञानी का लिए, ज्ञानी व्यक्ति के लिए ये जो सर्वर्ग सर्वरिपु है ये बड़ा शत्रु है, चिर शत्रु। ज्ञानी व्यक्ति, वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति बिल्कुल इसको जरा सा भी कोई स्कोप ना दे, जरा सा भी स्कोप दिया बस घुस जाए। हे कंतियो ज्ञानी न नित्य वैरिणा, ये ज्ञानी लोगों के लिए चिर वैरी है। एतेनो काम रूपेनो दुष्पूरेनो अलोनेन च, यही काम रूप दुष्परणीय अभावनीय कभी भी पूर्ति प्राप्त पूर्ति प्राप्त करना संभव नहीं। दुष्पूरणीय दुष्पूरणीय पूर्ति इसका है ही नहीं, काम जो है इसका पूर्ति है नहीं। का उस दिन हम बताया था ना, न या तो काम है, ये जो श्लोक बताया था, कभी भी ये पूर्ति नहीं हो पाते। न काम न या तो काम कामेन उपसम्मति, काम के द्वारा काम का निवृत्ति संभव नहीं कभी भी। ये है एक आग जल रहा है, उसका अंदर थोड़ा घी डाल दो और आग बढ़ेगा। नवजातु कामेन काम नवजातु काम कामेन उपसम्मति हविषा कृष्ण वत्मय भूयो एवा भी भर जाते। आप अगर सोच लो कि मेरा अंदर में थोड़ा बहुत कामना वासना है, अटैचमेंट काम है, काम तो है ही है, ठीक है चलो थोड़ा चुपके से थोड़ा भोग कर ले, भोग करने के बाद फिर बाद में तो छोड़ देंगे, अभी भोग कर ले बोले मतलब लो अंदर में अटैचमेंट है, भोग कर ले थोड़ा। लेकिन ये जो आशा है ये निराशा में बदल जाएगी, ये जो आशा है निराशा में बदल जाएगी, कभी पूर्ति नहीं। क्योंकि काम है, काम का पूर्ति काम के द्वारा कभी नहीं हो सकता। उर्वशी का इतना संग किया वही लोग पुरुरोहा, इतना संग किया, इतना संग किया कि दिन भर उर्वशी छोड़ के कुछ दिखाई नहीं पड़ता, चारों उर्वशी। जैसे महापुरुष जी ने बताया ना राय रामानंद जी को, राय महाशय कह रहे हैं कि प्रभु ठीक से बताओ आप कौन हो, अभी देखा नहीं राधा लिंग विग्रह मदन मोहन कृष्ण को, आप देखे सन्यासी रो, ठीक से बताओ आप कौन हो। बोले ऐसा है कि आप बड़ा भक्त हो, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे, आपका यही विचार है, जहां जहां आपका आंखें आप डालते हो वहां कृष्ण देखते हो, ये आपका भक्ति। चला की मत करो प्रभु, ठीक से बताओ आप कौन हो, ठीक से बार बार जो दिवस कहने बाद में बता दिया ठाकुर जी, किसी को मत बोलो हम एक पागल है तुम एक पागल है, हम भी एक पागल है तुम भी एक पागल, दोनों में किसी कोई किसी का विश्वास नहीं होगी। तो ऐसा है कि हम ही है रसराज महाभाव, यही है हम गौरंग, हम ही है राधा गोविंद, किसी को मत बोलना
हम पागल है तुम पागल हो, किसी को मत बोलना। तो महाप्रभु ये बताए, हमारा दर्शन है क्या, जहां जहां नेत्र परे तहां रक्त मांस स्फुरे, जहां भी देखो रक्त मांस का खजाना, ऐसा दर्शन है। दर्शन अगर खोटा है तो दर्शन को कैसे बनाया जाए, बिना सत्संग कभी भी हो नहीं सकता। अगर कोई सोचे कि काम के द्वारा उर्वशी, उर्वशी का इतना संग किया है पुरुरवा, इसका बाद भी इसका पूर्ति नहीं भाई, रोते रह गए, इतना बड़ा भीड़ है स्वर्गराज इंद्र से भी चक्कर लेने वाला, स्वर्गराज इंद्र को सहायता किया, पुरुरवा इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, खट्टंग राजा इतना पावरफुल है, दशरथ महाराज इतना पावरफुल है, बाप रे बाप, हीरो का पावर उरी बाप, पृथु महाराज उरी बाप। तो फिर भी देखो जब काम आ जाता है अपना वीरता तमाम बदल जाते हैं, अभी तो इतना दुर्बल है काम जिसका पास है, सबसे बड़ा दुर्बल कौन है अगर के पूछा जाए, सबसे दुर्बल कौन है, सबसे दुर्बल है रावण। क्यों बोले इतना पावरफुल है, बोले होने से भी ये तो तमाम दुनिया को जय करके रख दिया लेकिन अपना अपने अपने को जय नहीं कर पाया, इससे बढ़कर शर्म की बात क्या हो सकता। रावण ने तमाम दुनिया को जय करके रख दिया लेकिन अपना ऊपर विजय प्राप्त करना ये वीरता का सबसे बड़ा लक्षण है। हमने दुनिया को शास्त्र सिखाने गया और आप खुद का अंदर में शास्त्रों का कोई अनुभव नहीं है, कुछ नहीं है, हैं काम क्रोध से भरपूर है तो क्या है वो शास्त्रों का ज्ञान, क्या काम का, कुछ किस काम का है। पुरुरवा इतना भीड़ है लेकिन काम है अंदर में, पूर्ति नहीं है, काम का पूर्ति काम से नहीं होता, उछल पड़े अरे कहाँ गया उर्वशी, कहाँ, बिना उर्वशी में अंधेरा दिख रहा हूं, चारों ओर उर्वशी दिख रहा है, इतना बड़ा वीर है, मारा जाएगा हम बिना उर्वशी, मर जाएंगे। देखो आदमी का काम लोभ मोद आश्चर्य आदमी को कहां तक पहुंचा देता, नरक के दरवाजे पर ठिकाना भी पहुंचा। जितना भी भीड़ हो, जितना भी पैसा क्यों ना हो, जितना भी पद मर्यादा हो आचार्य आदि, अगर काम है तो रास्ते का फकीर है, भिखारी है। पारमार्थिक राज्य में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही इज अ बेगर, इसका नंगापन कभी समाप्त नहीं होने वाला। साधु तो वह है जिसका अंदर में कभी भी चाहत नहीं है, सब कर रहा है, करना चाहिए जगत का हित के लिए, मंगल के लिए कर रहा है, ना कोई लाभ पूजा प्रतिष्ठा पैसा कुछ नहीं है। ये सब कामुक व्यक्ति जो है इनके जो नंगापन है कभी समाप्त तो नहीं होने वाला, कभी नहीं, क्योंकि काम काम के द्वारा काटा नहीं जाता। कभी नहीं काटा जाता, कैसे कह रहे नौ जा तो काम भोगे न उपसम्मति, नौ जा तो काम भोगे न उपसम्मति, हविष्य कितनो कृष्ण वत्मी वो भूयो एवा भी वर्धते, पुनः पुनः वृद्धि हो जाता। तो किसी ने अगर विचार कर लिया अब तो हमारा अंदर में बहुत काम है, हम बहुत कामना वासना इसका पूर्ति हो जाए उसका बाद भगवत भजन करेंगे, वो कोई बात नहीं ना, ये हो नहीं पड़ेगा क्योंकि दुष्पूरणीय, दुष्पूरणीय मैंने कभी भी पूर्ति पूर्ति तक कभी पहुंच नहीं पाएगा। आर ज्ञान आवृत होकर रहता है, जैसे आवृतम ज्ञानम
पहले ही बताया आवृतम ज्ञानम मेतेनो ज्ञानिनो नित्य बैरिन। ज्ञानी व्यक्ति तत्वज्ञानी व्यक्ति ये फांसी का फंदा समझते हैं, समझा मेरा बात। जगत में सबसे लोभनीय वस्तु कामिनी कांचन पदमर्जा जो कुछ भी है, वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति देखो तत्वज्ञानी ये सोचते कि मेरे लिए फांसी का फंदा। जैसे हाथी पकड़ने के लिए जंगल में ट्रैप बिछाया जाए, एक गर्त तो खोद दिया बड़ा अगसा गत और एक एक स्त्री हाथी को रख दिया और हाथी सब आते आते दौड़ लगाते और स्त्री हाथी जो है उसको ट्रेनिंग दिया गया तो ये हाथी तुमको इधर से पकड़ने आए, तुम इस शॉर्टकट वे जाओगे ना, तुम उधर से जाओगे वो शॉर्टकट जाएगा पकड़ने के लिए, इसी समय वो गर्ते में गिर जाए और उसको फांसी का फंदा बन गया। भागवत जी महापुराण में बहुत सारे सुंदर उदाहरण हैं। मछली का लिए जो टोप बिछाया जाए चारा बहुत सुंदर एक हुक है, इसका अंदर में अच्छा खासा बहुत लुक्रेटिव लोभनीय वस्तु लगाकर पानी में डाल दे और वो आके तो देखे अरे अरे इतना सुंदर कहाँ मिलेगा, कब खाने गया बस गले में अटक गया, बस उसको उठाओ। बहुत सारे उदाहरण दिया भागवत ने, आंख जल रहा है इतना सुंदर कच्चा सोना जैसा आंख का सौंदर्य जितना है दिखाओ मेरे को कहाँ है। आंख जलने से आंख का जो सौंदर्य है इतना सुंदर लाल है पीला है और कच्चा सोना जैसा दिख रहा है और ये जो रूप है आंख इसका पीछे दौड़ते पतंग दौड़ते हैं, पतंग दौड़ते उसके छलंग लगाते और जल के मर जाते। ऐसा ही उदाहरण दिया गया बहुत सारे, ये काम जो है जिसका अंदर में है ये तो इसका अंधा का माफिक, काम मतलब अज्ञानी, अज्ञानी माया का चक्कर में इसका पीछे भागेगा। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति एक सुंदरी जननी जो अगर जनानी है ज्ञानी व्यक्ति देखे वो समझ जाते ये फांसी का फंदा है, ये फांसी का फंदा है मेरे लिए। हाँ लेकिन अज्ञानी व्यक्ति तो दौड़ेगा, ये वन एक किस्म का ट्रैप बिछाया हुआ है माया देवी का, ट्रैप फंदा ट्रैप बिछाया हुआ है, किसी भी हालत से उसको पकड़ो माया देवी चाहता। अंतिम में जो देखा ये तो बड़ा भारी प्रयास प्रचेष्टा है, सिंसियरिटी इतना है और गुरु का भी इतना कृपा मिला, इतना कृपा मिला, इतना इसको पकड़ना संभव नहीं, तो माया देवी इसका पीछा करना छोड़ दे, उल्टा इसको सहायता कर दे जोग माया का रूप में, तब उल्टा काम हुआ। यही माया तुमको नंगा करने के लिए भाग रहा है, भाग रही है तुमको नंगा करके फेंक दे। भगवान श्री कृष्ण उद्धव के कह रहे हैं कि जो लोग त्यागी बनता है, भगवान श्री कृष्ण उद्धव के उद्धव जो लोग त्यागी बनता है जो सन्यासी ब्रह्मचर्य ये लोग के लिए स्वर्ग का देवता लोग माया देवी आदि सारे पीछे लग जाता है, कैसे इसको धक्के लगाकर फेंक दिया जाए। क्यों लोग ईर्षा हो जाता है, ईर्षा अरे हम लोगों का अतिक्रमण करके भगवान का पास चले जाए गोलोक में, ना 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 इसका पीछे लग जाते हैं बहुत। कभी कभी कामिनी कभी कांचन और सब पीछे, अरे जड़ा सा भी आ गया फांसी का फंदा में बास हो गया। अगर बहुत गुरु की पा है वैष्णव की बात तो उसका लिए कोई बात ही नहीं पैदा होता। तो आवृतम ज्ञानम एतेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कंतियो दुष्पूरेण अनलेन च, दुष्पूरणीय पूर्ति प्राप्त कभी नहीं हो सकता। काम रूपेण नित्य वैरी
हिसाब रखा दिए। जब भी सामने को लोभ है, महाराज आपको इस मठ का आचार्य बना देंगे, आप ही तो एक विद्वान हो, चलो महाराज बचाओ। ज्ञानी व्यक्ति सब जानते हैं, कितना सारे टोप आता है, महाराज चलो हैं, कोरापेट डिस्ट्रिक्ट में एक मठ है, आपको ही दे देंगे, बहुत बड़ा मठ, पहाड़ी का एकदम टीला पे, बहुत सुंदर। ये सब लेके क्या करें, गुरु जी जो संपत्ति दिए हैं, ये संपत्ति छोड़ के मैं किसका संपत्ति ले, मेरा पास तो बहुत आदमी बोलता है इधर आओ हम प्रमाण दिखा देंगे, मैसेज भेजते हैं हमारा प्रभु जी का पास, सब महाराज जी का अकाउंट नंबर दे दो, हम पैसा भेजेंगे, है ऐसा है, हादसा का ऐसा आता है, ऐसा मैसेज, हमारा तो अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी किसी का देने के, हम बोला नहीं, इसको बोल दो भी आप आशीर्वाद दे दो, और कुछ नहीं चाहिए हम, क्योंकि किससे लेना है किससे नहीं लेना है ये गुरुजी हमको बोल देता, प्रभुपाद प्रभुपाद की कृपा से समझ जाते हैं, हम फांसी का फंदा में फंसने वाला आदमी नहीं है। हे महाराज आपको आपका पैसा, आपका पैसा, आपको पैसा का जरूरी है, आप रख लो आपका पास, हम किसी भी आला से चला लेंगे, ये सब हम मना कर देते हैं, देना आप चाहता है हम मना कर देते, नहीं 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 चाहिए, आप रख लो आपका पास, किसे लेना है किसे नहीं लेना है सारे पता चलता है। ऐसा है, फंसेगा तो वो जिसका पास गुरु कृपा का कमी है, बामन गुस्सी महाराज जी का उदाहरण दे दो, तीर्थ महाराज जी देखो ये सब कितना सारे सामने, कितना सारे कुछ आया है, ये किसी भी हालत से हिलने वाला नहीं है, जो भी है देखो। आज छोटा मोटा कोई छोटा मोटा कुछ चीज आ जाए, पद प्रतिष्ठा आदि, ओह छलांग लगा है, प्रधानमंत्री आया, महाराज हमको चार बार नहीं आओ, कितना निमंत्रण पत्र, कितना कुछ भी, फोन भी बहुत, बोले हम छोटा मोटा क्रिया मकोड़े, हम जाके क्या करें, क्योंकि हम जानते हैं फांसी का फंदा है, सब भागा उसका पीछे, सब रिपोर्टर का न्यूज़पेपर में आएगा हमारा नाम, ये अरे जाओ जाओ। ये हरिकथा थोड़ी है, अरे हरिकथा सुनने हैं तो मोदी जी आए सुने, है तो है क्या है, सच्चा सुनने के लिए कहीं भी आए। ये जो है लवणीय वस्तु माया देवी बिछा के रखे चारों, जो इसमें फंस जाए तो गया उसका, तो गया जीवन जिंदगी। भगवान अभी 40 नंबर श्लोक में इंद्र, 40 नंबर श्लोक इसमें अर्जुन को कह रहे हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान उच्यते एतोर विमोहयत्तेश ज्ञानम आवृत्त देहिनम। इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रियाणि बहुवचन अतः तमाम इंद्रिया, मन भी एकादश इंद्रिय है, फिर भी मन का सेपरेट एग्जिस्टेंस बताया गया, इंद्रिय सकल और मन और बुद्धि ये सारे प्रकृति का चीज है, ये कोई ये सारे प्रकृति का चीज है, और हम जितना सारे प्रकृति का चीज है, मैटर के द्वारा भगवान का भजन करने में लगे हुए हैं मूर्ख जैसा। सारे प्रकृति का ये सब जो सारी इंद्रियां हैं, मन है बुद्धि है, है ना, भूमि राप अनलो वायु खं मन बुद्धि रेवचा अहंकार इत्यंग में प्रकृति रष्टदा, सुने है ना ये बात, भगवान खुद कह रहे हैं, भूमि रापो, भूमि मतलब भूमि, आपो जल, भूमि आपो वायु, हैं अनलो आग,
खन आकाश ये सब जो है भूमि रापो हैं ये सारे जो जितना सारे अहंकार प्रकृति राष्ट्रधा एट डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज सेग्रीगेशन ऑफ प्रकृति ऑल द सेम प्रकृति है। सो इसलिए इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानम उच्यते एतैर विमोहतेश ज्ञानम आवृत्त देहिनम इंद्रियाणि मनोबुद्धि इंद्रियो सकल मन और बुद्धि अशो अधिष्ठानम उच्यते इसका आश्रय बोल के माना जाता है। एशो आश्रय है ये सारे जो है उच्यते अशो अधिष्ठान उच्यते इसका आश्रय माना जाता है अर्थात एशो काम ये सारे भरपूर ये सब के ऊपर प्रभाव फैलते प्रभाव फैल के अपना काम को हासिल करता है। ये काम जो है पूरा ये सब इंद्रियाणि मनोबुद्धि इंद्रिय सकल मन बुद्धि इसका अशो कशो कामशो अधिष्ठान उच्यते एशो यही काम एतो मैंने ये लोगों के द्वारा ज्ञानम आवृत्त ज्ञान को ढक्कन में रखता है ज्ञान को पूरा एकदम दबा के रखता है पूरा दिखाई नहीं पड़े कहां है ज्ञान ज्ञानम आवृत्त आवृत्त मैंने आवृत करके देहिनम मोहयति ये देहोधारी जीवों को मोह का सागर में डाल देता है जीवों को मोह का सागर में डाल देता है और जाने का कोई रास्ता नहीं कोई रास्ता नहीं छटपटाहट है ओह कहाँ जाए कैसा करे क्या करे विचार नहीं बनता। कभी एस्ट्रोलॉजर के पास चला जाते महाराज हमारा आपका तो शनिचर खराब है मंगल खराब है दुनिया भर का विचार बता दिया ऐसा करके देहिनम मोहयति जीवों को मोह का समुंदर में डाल देते हैं और निकालने का कोई रास्ता है नहीं समझो कोई बात। दो चार दिन पहले ही इस बात का चर्चा हो रहा था ये अनंत ब्रह्मांड में दो ही चीज है बस दो ही चीज है एक है आत्मा वस्तु एक है अनात्म वस्तु। आत्मा वस्तु मतलब जिन सब चीजों जिस सब व्यक्ति वस्तु के साथ भगवत सेवा का संबंध है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये अगर समझा जाए तो युक्त वैराग्य का रास्ते में चलने का पूरा दरवाजा खुल जाए। जब तक युक्त वैराग्य को नहीं समझे अरे कार्तिक व्रत आया अब बॉयलिंग खाना शुरू कर दिया अब बॉयलिंग कहाँ तक खाए है तो लालची है दो दिन बाद में दूध तर बेकार कार्तिक व्रत है कुछ नहीं है बेकार खाना फना सब बंद है बाहर में गए बस हो गया भक्ति का छुट्टी। ऐसे विचार बना के चले कि सॉफ्ट वे आपका रास्ता जो हो वो ऐसा हो कि इसमें युक्त वैराग्य बन जाए। ज्यादातर ध्यान रखना है कि हमारा हरिकथा हरि कीर्तन में मन लग रहा है कि नहीं आगे आगे चल के ये विचार बनेगा कि तुम्हारा ये जो कार्तिक व्रत पालन किया पुरुषोत्तम इसमें फायदा क्या है व्हाट इज द नेट आउटकम भक्ति कुछ मिला कि नहीं। अगर पूरा तमाम कार्तिक बुद्ध पुरुष पालन करके बस कुछ नहीं मिला हाथ खाली है एम्प्टी है तो लाभ क्या है हमको तो देखना चाहिए भक्ति आया कि नहीं। सबसे बड़ा भक्तिमोहन ठाकुर कह रहे हैं कि ध्यान देना चाहिए चातुर्मास सबूतों में भक्तिमोहन ठाकुर कह रहे हैं कि तमाम विचार रख दिया स्कंद पुराण से इधर उधर सारे रखने के बाद भक्तिमोहन ठाकुर अंतिम में बताया जैसे आपका हरि कीर्तन हरि कथा में मन लगे वो सबसे बड़ा जरूरी है। हरि कथा कीर्तन में बहुत फुल अटेंशन लगे ये सबसे बड़ा चीज है पूरा व्रतों का यही नेट आउटकम
ये अगर नहीं पहले पालन करे, बैगन माना है, ये माना है, सरसों का तेल माना है, माना है, इसी में लग गया, इसी में लग गया। अरे हमको खिला दिया सरसों का तेल, बेकार हो गया। जम्मू में गया हरिकथा बोलने, उधर हम तो खाया नहीं, वो लोग खा लिया। अरे महाराज टमेटो दे दिया इसमें, क्यों कैसे, हमारा व्रत तो खत्म हो गया। हम तो हंसते रह गए, टमेटो डाल दिया, जबकि जाने मिश्र जी भी जानता है, और ध्यान दिया नहीं, टमेटो दे दिया। खाओ एक बार, हमारा व्रत तो गया, ठीक है गया। ऐसा करके आदमी विचार बनाता है। असली बात यह है कि युक्त वैराग्य समझने चाहिए। युक्त वैराग्य समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं हुआ, जितना भी भजन कर लो कुछ नहीं होने वाला। सबसे बढ़िया चीज है हरि कथा कीर्तन में कितना लगन लगा, हर हरि कथा कीर्तन अपना जिंदगी में अप्लाइड फॉर्म में लाया कि नहीं, नहीं तो सुनते रह गए, फिलोसफी मुकुस्त हो गया। महाराज क्या सुनाया, और मायावादी आया, महाराज क्या सुनाया, सब कोई को क्या सुनाया। अरे अगर उसको पूछा जाए क्या समझा, वो कह नहीं सकेगा क्या सुनाया, ये बस बोल दिया। तो इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानम उच्यते एतैर विमहतेश ज्ञानम अवृत्त देहिनम। से समझ गया ऐसे कैसे देहोधारी जीव अज्ञान में फंस जाते हैं और मोह का सागर में डूब जाते हैं। हा हा देहिनम मोहयति, मोह का सागर में फेंक देता, क्या हालत है। आहा देखो ये अंध धृतराष्ट्र, इसका ही बात पकड़ लो, देखो कितना मोह है। बार बार समझाया जाए कि आप गलत रास्ता पे चल रहे हो विदुर जी मान, अरे क्या करे, विचार करके देखो तो आप ठीक ही कह रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं विवश हूं, मेरा मन नहीं मानता, क्या करे, विवश हूं, मोह प्राप्त हो गया। ये जो है इसका बात तो देखो, ये सब विचार करके फिर धीरे धीरे भजन का मार्ग पे चलना है। अगर कोई गीता ही समझा नहीं तो कितना भी उज्जवल निर्मल मुखस्त कर ले, उसका मुंह पे चप्पल मारना है, कुछ नहीं है, बेकार। यही समझा नहीं तो क्या करे, ए बी सी डी समझा नहीं। जब भी गीता बेसिक है, फिर भी गीता का फाउंडेशन जिसका दिल में नहीं है, एक बूंद भी भजन में आगे नहीं पढ़ सकेगा, एक बूंद संभव नहीं। तस्मात त्वम इंद्रियाणि अदौ नियम वर्तर सब पापमानं प्रजोहि ही एनम ज्ञान विज्ञानम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसीलिए अर्जुन तुमको कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन इसीलिए मैं बोल रहा हूं, तस्मात इंद्रिय तस्मात त्वम आप, तस्मात इसीलिए कह रहा हूं कि त्वम आप इंद्रियाणि अदौ नियम, तमाम आपका इंद्रिया हैं मन हैं, इसको रेगुलेट करो, ट्राई टू गेट इन कंट्रोल, बस में लाने का कोशिश करो। तस्मात त्वम इंद्रियाणि अदौ नियम भरतर सब भरत ऋषभ माने भारत वंशीय कुल प्रदीप, हे अर्जुन पापमानं प्रजोहि प्रकृष्ट रूप में उसको खत्म करो। पापमानं प्रजोहि जोहि ना जोहि मतलब मारो, प्रकृष्ट रूप में जड़ से खत्म करो उसको। पापमानं प्रजोहि ही एनम इसी को ज्ञान विज्ञान नाशनम, क्योंकि तुम्हारा दिल में जितना सारे वाइटल्स वाइटल्स है, वाइटल्स मतलब ये रियलाइजेशन है, आध्यात्मिक उन्नति है, अनुभव है, तत्वज्ञान है, ये सब ज्ञान विज्ञान, ये ज्ञान विज्ञान जो है, ये जो ज्ञान विज्ञान सारे हैं, इसको पूरा खत्म करते हैं। बाप रे बाप,
ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान नाशकारी ये खतरनाक है, इसको मारो। पापमान एनम, ये पाप रूपी ये बदमाश हराम खो, इसको मारो काम को। प्रजोही विनष्ट कर दो, परित्याग करो, हर हालत में इसको त्याग देनी चाहिए। किसी भी हालत से नहीं तो तुम्हारा तरक्की हो नहीं पाए। हे अर्जुन, पहले ही तुमको हमने बोला ये इंद्रियों जितना सारे इंद्रियों ज्ञान के मजबूत करो, ज्ञान विज्ञान नाशन पाप रूपी काम को त्याग दो, काटो फेंको। ज्ञान विज्ञान नाशनम, विज्ञान माने जो विज्ञान माने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन जब डायरेक्ट रियलाइजेशन में आ जाए वो ज्ञान, वो विज्ञान में बदल जाता। विज्ञान माने अनुभव में आ जाता। शास्त्रों आचार्यों का उपदेश ये आत्मादि संबंध में कुछ बोध जन्म लेता है, बोध अनुभव थोड़ा बहुत समझ में आता है थोड़ा बहुत, इसका नाम ज्ञान। एंड इसका निर्जास जो है, तमाम चीजों को तत्व ज्ञान को जब अनुभव में ला पाओगे, इसका नाम है विज्ञान। जैसे अर्जुन जी महाराज तमाम गीता को सुने भगवान के पास, सिर्फ इतना ही नहीं, कृष्ण को बोल दिए करिष्य वचनम तप, मेरा अज्ञान अंधकार जो हो मोह सब नाश हो गया, अब करिष्य वचनम तब, ऐसा बोल के युद्ध भी किया है। ऐसा नहीं कि युद्ध नहीं किया, लेकिन हमने पहले ही गीता जब शुरू किया था तभी ये सब कहानी बताए। जब अर्जुन लौट के आया कहां से, द्वारिका से, और युधिष्ठिर महाराज पूछते रह गए, बहुत दिन बाद आए। युधिष्ठिर महाराज सोचा थोड़ा दिन के लिए जा रहे तो आएगा, आ जाएगा, लेकिन इतना दिन हो गया वो आई नहीं, क्या हो सकता। भीम तबार जो तब तब अनुजो आया नहीं, तबा तुम्हारा भाई आया नहीं अभी तक, क्या हो सकता कारण। इतने में बहुत एकदम बेचैनी है, इसका बात अर्जुन आ पहुंचा, लेकिन बातें नहीं कर रहे, पूछते रह गए युधिष्ठिर महाराज, पूछते पूछते पागल हो गए। बाद में रोके बोल रहे हैं, वंचित तो हम हरिना बंधु रूपिणा, है मतलब वंचित तो हम हरिना बंधु रूपिणा, हे राजन वंचित तो हम हरिना बंधु रूपिणा, मतलब क्या क्या कहना चाहते हो। बोले महाराज, हमारा बंधु हमारा भगवान ये वंचित कर दिया हमको, मतलब नहीं रहा, भगवान चले गए नित्य धाम। सारे घटना बता दी, उसके बाद फूट फूट के रोए और बताया अपना हालत। वही गांडीव है, वही तीर सब कुछ है, वही रथ है, मकर ध्वज रथ है, हैं? ये जो है, लेकिन फिर भी वो अर्जुन है, लेकिन वो बल नहीं है, वो ताकत नहीं है, कहां लेके चला गया। और अंतिम में बताए महाराज, कुरुक्षेत्र युद्ध मूर्धनि, कुरुक्षेत्र युद्ध का शुरुआत में इतना तमाम जो उपदेश दिए हैं गीता उपदेश गीता उपनिषद का, उस टाइम में तो मैं बोले करिष्य वचनम तबा, लेकिन आज समझ में आ रहा है। गीता तो तब सुने थे, लेकिन समझ में आ रहा है, डाइजेशन आज हुआ, एसिमिलेशन अनुभव में। अरे उस टाइम तो गीता का उपदेश सुना भगवान से कृष्ण से, लेकिन गीता का तमाम जो निचोर है अनुभव है आज आ पहुंचा मेरा पास, प्रभु का क्या लीला है। ऐसा करके इसको मारो, एक काम को मारो, सबसे बड़ा खतरनाक है हर कोई का जिंदगी में, अर्जुन का जिंदगी में नहीं, मेरा जिंदगी में, हर कोई का जिंदगी में।
हर कोई का जिंदगी एक एक, अगर कोई भजन करना चाहे तो एकदम बेसिकली साइंटिफिकली ये सब चीजें समझना है, समझ के सही रास्ता पे चलना है। इसको मारो अर्जुन, इसको फेंको, नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश कर देगा, तुम्हारा तुम्हारा जो भजन का वाइटल्स है रियलाइजेशन सारे काट के फेंक दे। काम सबसे बड़ा शत्रु है, इंद्रियाणी मन इसका अवलंबन है, जैसे भूत है, भूत जानते हो घोस्ट, जैसे भूत प्रेत पहले कोई आदमी को ख्याल करता है, उसका अगर चेतना एटिकेसी आचरण अगर उतना तगड़ा नहीं है तो ये अनायास उसका अंदर में घुसने का कोशिश करे। अगर आचरण पक्का है, सुबह में उठता है ना दुधारी आचरण पक्का बिल्कुल, ये रास्ता ढूंढता है, ये उल्टा पल्टा आचरण करे तो जैसे इंद्र महाराज, एक उदाहरण दे दे समझ में आओ, नहीं तो बोलोगे महाराज गप गप बोल रहे हैं, हम गप को ही बोल नहीं रहे, गप नहीं बोल रहे। इंद्र महाराज दीति मैया का कोख में घुस गई, घुस गया कौन, इंद्र, क्यों, एक आचरण गलती की, दीति माँ बिना आचमन अपना जितना केशविन्यास है खोल के एकदम सो गया, सो गई, बस ये आचरण में कमी आई, बस इंद्र गर्भ में घुसकर गर्भ को पहले सात टुकड़ा किया, सात टुकड़ा करके और एक एक टुकड़ा के और सात सात टुकड़ा किया, सात सात उनचास 49 उनचास वायु देवता का जन्म। मतलब ये है कि आचरण कमी है, भूत प्रेत पिशाच पकड़ने का कोशिश करते हैं, कहीं भी जाओ, हाँ कोई महात्मा जाए भूत प्रेत तो थोड़ी पकड़ेगा हैं, उसका बाप भी पकड़ नहीं सके हैं, कैसे पकड़ हैं, कुछ नहीं कर सके। तो भूत प्रेत का काम है, जो उदाहरण देने के लिए बात को उठाया, भूत प्रेत पहले किसी दुर्बल आदमी के अंदर घुस जाए, घुसने के बाद ये तमाम इंद्रियां हैं, मन है, शरीर है, इसका ऊपर असर पड़ता है, मतलब ये इंद्रियों के द्वारा शरीर के द्वारा भूत ये जो प्रेत पितात्मा है अपना काम को हासिल करता है। ये नियम है, खुद देखे हैं दाऊजी मंदिर में, एक लड़की 12 साल का उम्र में दिल्ली में रहने वाली, सब उसका अगर कथा सुनता होगा तो उसको पति है पता है, ओ कितना हंगामा करके उफ उसको भगाना पड़ा, उफ उसका उम्र उस टाइम पे 22 साल, माने 10-12 साल से पूरा उसका अंदर में, ये लड़की का अंदर में पेताता, उफ हाय हाय। तो मतलब ये है, ये प्रेतात्मा किसी दुर्बल निवल आदमी का अंदर घुस के और जो अपना जो काम है उसको हासिल करता है, इसका शरीर को अपना बना लेता है, बस करो इंद्रिय के द्वारा, अरे पागल का माफी खमता। तो इसको मारने के लिए भगवान कह रहे हैं पहले इसको खत्म करो, नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा करके 42 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियाणि पराणि आहु रेन्द्रेभ्यो परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु स एवं बुद्धे परम बुद्धा संस्थव्यात्मनमात्मना यो हि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। कैसा सुंदर बताए देखो, तो क्या किया जाए, भले महाराज ऐसा करो, ये जो इंद्रियाणि अतः इंद्रिय सकल पराणि श्रेष्ठो आहु, इंद्रियों को श्रेष्ठ बोला जाता है क्योंकि उसका बहुत तगड़ा क्षमता है, और इंद्रियभ्यो
इंद्रियभ्यो इंद्रियों से भी परम मन मन श्रेष्ठ है। और मनसस्तु मनसस्तु बुद्धि परा, मन से भी बुद्धि श्रेष्ठ है। समझा कि नहीं? या तू यो एक चीज है जो बुद्धि से भी और ऊपर इसका स्थान है, तो कोई नहीं जानता। या तू बुद्धे परतः स, अर्थात यही आत्मा का बात कह रहे हैं, सबसे ऊपर है, चिन्मय है, चेतनमय है, सबसे ऊपर। सो इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु स। इसका बात बताए, एवं बुद्धे परम बुद्धा संस्तव्यात्मनमात्मना जो ही शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे महाबाहो, महाबाह माने महाबाहो बोलने का मतलब है बड़ा क्षमताशाली वीर हो तुम, हौसला बढ़ाने के लिए बोल रहे। हे महाबाहो, ऐसे जो बुद्धे बुद्धि जो है बुद्धे परम बुद्धि से भी श्रेष्ठ जो आत्मा, इसको जानने का कोशिश करो। एवं बुद्धे परम बुद्धा, ये बुद्धि से भी जो पड़े परे वस्तु पड़ वस्तु है बुद्धि का और ऊपर बहुत चेतनमय वस्तु, एवं बुद्धे परम बुद्धा, इसको समझने का कोशिश करो। हे महाबाहो, एवं बुद्धे परम बुद्धा, ऐसे बुद्धि से कि भी और ऊपर एक दो चेतनमय वस्तु है जो जो वस्तु है छुपा हुआ, ये आत्म वस्तु है। बुद्धा जानिया, जानने का कुछ आत्म वस्तु को, आत्मनम अपने को संस्तब्ब निश्चल करो, मतलब ये सब चीजों से दफा कर लो, करके आप इसके एक्सक्लूसिव हो जाओ, अलग हो जाओ। आपका साथ चेतनमय वस्तु का साथ, जिसको आप कह रहे हो इसका साथ, इसका कोई तालुकत है नहीं, कोई काम हो क्रोध हो प्रकृति का कोई भी चीज है, ये समझने का कोशिश करो। एवं बुद्धे परम बुद्धा संस्तव्यात्मनम आत्मना, अपने को बचाओ और इसका बाज को दफा कर दो। जो ही शत्रु महाबाज को काटो फेंको, कामरूपम शत्रुम कामरूपम शत्रुम जही फेंको। ऐसा करके भगवान कितना सुंदर तत्व ज्ञान का उपदेश किए हैं, हैरान की बात, फिर भी समझ में नहीं आ रहा क्या बात है। अंग्रेजी में एक बात है, God helps them those who help themselves। एक ही बात गीता का ही बात है ना, उद्धरेत आत्मनात्मनम आत्मन नैव अवसादयत, यही तो बात है, यही तो बात ने बताया। मतलब अपने को try to justify with yourself, अपने साथ बेईमानी मत करो। सबसे बड़ा बेईमानी कर रहे हो आप, आपका साथ, हमारा साथ क्या बेईमानी करोगे, आप खुद का साथ बेईमानी कर रहे हो। एवं बुद्धे परम बुद्धा संस्तव्य आत्मनम आत्मना, आत्मा का द्वारा ये समझ लो पहले, और आत्मा का द्वारा ये आत्म वस्तु को यो ही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, इसको जय करना बिल्कुल असंभव है, फिर भी काटो फेंको, इसको भगाओ। भगाओ मतलब मार के फेंक दो, मारिया फैलो। निश्चयात्विका बुद्धि के द्वारा मन को निश्चल अवस्था में लाओ, उद्धरित आत्मनात्मनम और काम रूप दुरासदम, ये जो बदमाश है किसी भी हालत से पकड़ में आने वाला नहीं, इसको काटो फेंको फेंक दो। जब तक रहेगी ये काम सत्यनाश खोखला बना देगा, कितना भी भजन करो खोखला बना देगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचेगा,
बहुत सावधान संस्तव्य आत्मनम आत्मना, आत्मा के द्वारा आत्मा को निश्चल करके, आत्मा को आत्मशक्ति के द्वारा निश्चल करके खुद ही तुम समझ जाओ तुम्हारा अंदर में बल का कोई कमी नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, इसमें अगर समझ आ जाए हम तो ये ब्रह्म वस्तु हूं, मैं ब्रह्म हूं, स्वयं ब्रह्म हूं, ये नहीं ब्रह्म का अंश हूं, तो तुम्हें शक्ति का क्या कहां से कमी आए? गुरु वैष्णव से ले लो पूरा कृपा आकर के अपने को बचाओ और ये बदमाश को भगाओ, ऐसे तो सत्यनाश कर दे, खोखला बना देगा। महाराज 40-50-60 साल भजन करने का बावजूद अंतिम में बोला सत्यनाश हो गया, हाय हाय हाय। सौहरी जी का बात याद आता तो मैं पागल बन जाता हूं, क्या बात है 60,000 बरस का भजन, हाय 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 हाय। एक घंटा मेरा जिंदगी में खराब हो जाए तो मैं गाली देने लग जाता हूं अपने आप को, एकदम बोझवासी का माफी गाली देता हूं, हाय हाय हैरान हो जाता हूं टाइम कैसा था, जस्ट भी नहीं भरी, इतने में इतना हो गया टाइम, कहां से क्या करे, बैसासन में बैठा हुआ हूं मैं, हैरान हो जाता हूं टाइम का साथ कंपटीशन करके होता ही नहीं, और आदमी कैसे टाइम वेस्ट करता है मेरे को पता नहीं, मैं तो पागल बन जाता हूं टाइम का साथ, हैरान हो जाता, कंपटीशन चलता है, ये सुबह हुआ ये रात हो, ये सुबह ये रात हुआ, झाड़ का माफी चल रहा है सारे दिन, हाय हाय भजन नहीं हो पाया, इसी बात का दुख है, बस इसी बात का दुख है। तो असत्संग जो है इसको कैसे भगाना है, कैसे अपने को बचाना है, सारे ध्यान देना इस बात पर, जमादिभीर जोगपथेर काम लोभ हतोम हूं, समझा मेरा बात, ध्यान से सुनना, जमादिभीर जोगपथई काम लोभ हतोम हूं मुकुंद सेवया जदवत तथा आध्यात्मा न सम्मति। इतना आत्मा का ऊपर काबू पर तो होना, मैंने कंट्रोलिंग आना संभव, एक रास्ता है मुकुंद सेवा, उसका लिए भी एक कंडीशन है, वो क्या है, अतः दुस्संग मुसिज सत्सु सज्जित बुद्धिमान संत एव अस मनोव्यासंगम उक्ति भी वांछा कल्पतुर्वश्य के पास सिंधु व्यवश्य पतितानंग पावन वैष्णवभ्यो नमो नमः।